गांव की दिशा व दशा बदलने को कुंवर नरदीन प्रताप सिंह राठौर का सराहनीय योगदान। हरदोई आज के परिवेश में कुछ ही लोग होते हैं जो अपने कामों से ज़्यादा समाज सेवा पर ध्यान देते हैं। ऐसे ही समाज सेवी हैं कुंवर नरदीन प्रताप सिंह जी। उन्होंने अपने निजी इस पैसे से ग्राम सभा बेहटी विकासखंड 52 जनपद हरदोई में 111 लोगों को निजी आवास का लाभ हरि शरणम सेवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। गांव में टूटी हुई सड़क व पानी की व्यवस्था को लेकर नल लगवाए जाएंगे। राजपरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चुन्नी पूर्वा में हर रविवार को भंडारे का आयोजन होता है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी लोगों को भोजन कराया जाता है और 10 रुपये भी दिए जाते हैं। इस क्रम में एक गरीब का आवास बनना शुरू हो गया है। रणधीर प्रताप सिंह ने बताया कि 160 बच्चों को 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। गंभीर बीमारी में 50,000 रुपये का संस्था की तरफ से सहयोग किया जाएगा। बच्चों को ठीक से पढ़ाने के लिए उनके अभिभावक को 1,00,000 रुपये रोजगार करने के लिए दिए जाएंगे। संस्था में मनीष बलियान जो कि संस्था के ट्रस्टी हैं, उनका योगदान सराहनीय है। संस्था की तरफ से मयंक टंडन को संस्था का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है जो कि संस्था की तरफ से मीडिया संबंधित सभी काम देखेंगे। हरदोई से मयंक टंडन लाइव अभी तक। राठौर जी, ये जो आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं भंडारा वगैरह, ये आपने कब से शुरू किया है और ये कब तक होता रहेगा? सर, ये 1994 से शुरू हुआ है, 1 जनवरी 1994 से, और कोशिश ये है इसे मैं आजीवन रखूँ। अच्छा, और ये किस किस उक्त दिन में या निश्चित दिन इसका है या नहीं है? नहीं, संडे। संडे को? ये कहाँ पे होता है आपका भंडारा? अभी तो राजपरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कर रहे हैं, तो जहाँ भी मैं रहा हूँ हर संडे को मैंने भंडारा किया है। अच्छा, ये और जैसे ये आप बता रहे हैं कि टूटी सड़क जो गांव में है या अन्य समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, इनके अलावा भी और गांव वालों की समस्याओं को आप दूर करेंगे या इन्हीं इसी दो बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित है? नहीं, हम ये चाहते हैं हमारा देश जब तक कर्ज मुक्त नहीं होगा तब तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी घर में कोई बीमार है, वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, फिर भी मैं उसकी आर्थिक मदद करता हूँ और उसे ये कहता हूँ, भाई आपके गाँव को मैंने 2,00,000 रुपये डिसाइड कर रखा है, अगर आप वापस हमें पैसा दोगे तभी मैं दूसरे व्यक्ति की मदद कर पाऊँगा। और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। कोई बीमार है, किसी लड़की की शादी है, इस क्षेत्र में किसी भी लड़की की शादी होती है, अगर निमंत्रण आता है तो 5,100 रुपये, और अगर वो आर्थिक सहयोग मांगता है तो 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग करता हूँ। जैसे ये आपने बताया बातों में कि 160 छात्रों को 30,000 रुपये आप उसकी वजीफा देते हैं, तो क्या भविष्य में जो 160 छात्र हैं इनकी संख्या और बढ़ेगी या नहीं? नहीं, 160 ही बच्चों को दिया जाएगा। हमारा कोई भी, हमारे 15वां स्कूल है ये, तो हमारे स्कूल में 160 जो है लोकल बच्चे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र फीस महंगी में नहीं पढ़ा सकता, इंग्लिश मीडियम इसी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनके लिए 160 बच्चों का आर्थिक सहयोग, उचित शिक्षा देना, ये इतना परसेंट में हमारा काम ही उन लोगों को शिक्षा देना है हमें, जो उस तबके के एक चौकीदार बेटा गजरौला, क्यों ना मैं वादा को साकार करें, उसमें क्या नाम आपके नोएडा हरियाणा।